सरसिवा पुलिस को चकमा देकर फरार हुए दुष्कर्म के आरोपी को बिलाईगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी संजय बरेठा सरसिवा थाना क्षेत्र के बालपुर का निवासी है और कुछ दिन पहले कसडोल पुलिस ने आरोपी संजय बरेठ पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था, जिसे न्यायालय लेकर जा रहे थे, तभी मौके से वो फरार हो गया था। दुष्कर्म कर पुलिस को चकमा देकर फरार हुए आरोपी को बिलाईगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सरसिवा थानापुर के बालपुर का निवासी है। कुछ दिन पहले कसडोल पुलिस ने आरोपी संजय बरेठ पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। आरोपी को दुष्कर्म करने के मामले पर उसके गृह ग्राम बालपुर से सरसिवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाने में आरोपी को रिमांड लेकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां आरोपी ने मौका पाकर आरक्षक को धक्का देकर वहां से फरार हो गया। सरसिवा थाना को आरोपी के फरार होने की सूचना दी गई। तत्काल सरसिवा थाना हरकत में आई और बिलाईगढ़ पहुंची। वहीं बिलाईगढ़ के आसपास क्षेत्रों को पूरी रात सघन जांच करने में लगे और पूरी रात तलाश करते रहे। आखिरकार अचानक सुबह मुखबिर से बिलाईगढ़ थाना को सूचना मिली कि न्यायालय से फरार आरोपी पौनी में अपनी दीदी के घर में छिपा बैठा है। तत्काल बिलाईगढ़ टीआई ध्रुव अपने टीम के साथ पौनी पहुंचकर आरोपी को धर दबोचा और थाना लाकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सरसिवा पुलिस जो है एक 376 के आरोपी को रिमांड पे लेकर न्यायालय पेश करने के लिए आई हुई थी। तो जैसे ही आरोपी को मजिस्ट्रेट साहब के पास में पेश करने के लिए हथकड़ी खोले हैं, आरोपी जो है आरक्षक को धक्का देकर वहाँ से भाग गया, फरार हो गया। फरार होने के बाद में पुलिस जो है उसके पीछे लगी हुई थी, जो आरक्षक थे वो भी उनके पीछे कर रहे थे। उसके बाद थाना बिलाईगढ़ में भी आकर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया, जिस पर थाना बिलाईगढ़ में 224 का अपराध कायम किया गया है। उसके बाद टीम बनाकर लगातार आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। आरोपी जो है कितने कौन से धारे में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और न्यायालय में पेश किया जा रहा था? धारा 376 का आरोपी था वो, जो थाना सरसिवा क्षेत्र का मामला था। सर कितने कस्टडी कितने पुलिस जो है लेकर के आ रहे थे उसको? दो पुलिस कांस्टेबल लेकर आए थे उसको सरसिवा थाने से, और यहाँ से फिर जब वो फरार हुआ उसके बाद में फिर टीम गठित करके उसकी पतासाजी की जा रही है। सर कहाँ से गिरफ्तार किया उसको? उसको पौनी से गिरफ्तार किए हैं। क्या नाम लेते हैं सर आरोपी? आरोपी का नाम संजय बरेठ है, पिताजी का नाम चंद्र भानु बरेठ, उम्र 21 साल है, निवासी बालपुर सरसिवा थाना का रहने वाला है। मुझे थाना प्रभारी के आदेश से थाना के अपराध क्रमांक 352 18 धारा 376(2)(6) IPC एक्ट के प्रकरण की विवेचना हेतु दिया गया था। कल दिनांक 20/2/19 को मुखबिर द्वारा मुझे सूचना मिला कि थाना कसडोल के अपराध क्रमांक 352/18 के आरोपी संजय कुमार बरेठ अपने गांव में आया हुआ है। इस दौरान सूचना मिलने के बाद मैं हमारा स्टाफ लेकर ग्राम बालपुर जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लाया था और प्रकरण में आरोपी संजय कुमार बरेठ, पिता चंद्र भानु बरेठ, ईश्वर साकिन बालपुर थाना सरसिवा का गिरफ्तार करके मैंने जुडिशियल रिमांड तैयार कर आरक्षक 186/322 को लेकर न्यायालय पेश करने के लिए बिलाईगढ़ रवाना किया था। इस दौरान थाना प्रभारी द्वारा मुझे सूचना दिया गया कि आरोपी न्यायालय में पेश करने के दौरान आरोपी द्वारा आरक्षकों को धक्का देकर न्यायालय परिसर से फरार हो गया, और उस सूचना मिलने के बाद मैं तत्काल बिलाईगढ़ क्षेत्र थाना आया और वहाँ आकर मैंने पता तलाश किया और थाना बिलाईगढ़ के सहयोग से आज दिनांक को संजय कुमार बरेठ, पिता चंद्रभानु बरेठ को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया है। और मैं थाना बिलाईगढ़ के स्टाफ और को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमको ये सफलता मिली और पुनः हमने उसे गिरफ्तार कर लिया और आज हम न्यायालय पेश करेंगे। बिलाईगढ़ से सहदेव सिंह सिदार की रिपोर्ट, ACN 24।